और राइट बर्ड्स लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट स्नाइपर गेम्स बताने वाला हूं, जिसको आप पीसी के साथ साथ सभी कंसोल पर प्ले कर पाओगे एक्सपेक्ट टू मोबाइल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। इस वीडियो में जो गेम नंबर 5 पर आती है उसका नाम है स्नाइपर एलाइट 3। स्नाइपर एलाइट 3 एक थर्ड पर्सन स्नाइपर गेम है जिसमें हमें बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और बात करें इस गेम की स्टोरी की, तो इस गेम में हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिल जाती है। और बात करें गेम प्ले की, तो भाई इस गेम में हमें बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने को मिलता है। इस गेम में मेनली फोकस स्नाइपर के ऊपर ही किया गया है, क्योंकि ये गेम एक स्नाइपर गेम है। इस गेम की मुझे सबसे अच्छी ये बात लगती है, अगर आप किसी एनिमी के हेड पर या किसी और पार्ट पर आप क्रिटिकल हिट करते हो तो आपको एक्सरे भी दिखाया जाता है, और इन एक्सरे को देखकर हमें अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। और इस गेम में हमें स्नाइपर के साथ साथ सब मशीन गन और डिफरेंट टाइप के पिस्टल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम अपने क्रिटिकल टाइम में कभी भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में जो गेम नंबर 4 पर आता है उसका नाम है स्नाइपर गोस्ट वॉरियर 3। ये भी एक बहुत ही अच्छी स्नाइपर गेम है। ये गेम आपको फर्स्ट पर्सन में देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं इस गेम के ग्राफिक्स की, तो इस गेम में भी हमें बहुत ही अच्छे और रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। और बात करें गेम प्ले एक्सपीरियंस की, तो इस गेम में हमें बहुत ही अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इस गेम में भी हमें एक्सरे व्यू देखने को मिलता है अगर हम किसी क्रिटिकल पार्ट पर हिट करते हैं। तो बात करते हैं इस गेम की स्टोरी की, तो भाई इस गेम की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने इस गेम को पर्सनली प्ले किया, मुझे तो ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। अगर आपने इस गेम को प्ले नहीं किया तो इस गेम को एक बार जरूर प्ले करना, अगर आप एक ट्रू स्नाइपर गेम लवर हो तो। इस वीडियो में जो गेम नंबर 3 पर आता है उसका नाम है ज़ॉम्बी आर्मी 4। ज़ॉम्बी आर्मी 4 एक ज़ॉम्बी स्नाइपर शूटर गेम है जो कि हमें बहुत ही अच्छा गेम प्ले और ग्राफिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की, तो इस गेम में हमें बहुत ही अच्छे और रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं गेम प्ले की, तो भाई इस गेम का गेम प्ले भी हमें बहुत ज्यादा शानदार देखने को मिल जाता है। इस गेम में हमें स्नाइपर के साथ ज़ॉम्बीज को शूट करना होता है, और इसी तरह क्रिटिकल पार्ट पर हिट करने पर हमें एक्सरे का व्यू भी इस गेम में देखने को मिलता है। इस गेम में हमें स्नाइपर के साथ कुछ और डिफरेंट गन्स भी देखने को मिलती है, जिसको हम इमरजेंसी में कभी भी यूज कर सकते हैं। और इस गेम की स्टोरी भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। मैंने इस गेम का पर्सनली एंड किया। अगर आपने ये गेम ट्राई नहीं किया तो भाई इस गेम को भी एक बार जरूर ट्राई करना। इस गेम में आपको स्नाइपर एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़ा हॉरर एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाता है। इस वीडियो में जो गेम नंबर 2 पर आती है उसका नाम है हिटमैन 2 और हिटमैन 3। हिटमैन 2 और हिटमैन 3 में हमें स्नाइपर मोड देखने को मिल जाता है, जो हमें एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। उस मोड में हमें डिफरेंट टाइप के एनिमीज के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर हमें स्नाइपर के साथ उन एनिमीज को शूट करना होता है। इस गेम के मोड में हमें थोड़ा टाइम दिया जाता है, और टाइम के हिसाब से हमें एनिमीज को शूट करना होता है, और स्टिल्ट वे में एनिमीज को शूट करना होता है। अगर आप एक ट्रू स्नाइपर फैन हो तो आपको हिटमैन 2 और हिटमैन 3 के स्नाइपर मोड का गेम प्ले बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। मैंने इस गेम के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत ही अच्छे से प्ले किया, मुझे तो भाई इस गेम के कॉन्ट्रैक्ट्स को खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपने इन गेम के स्नाइपर मोड को ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई करना, आपको भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस वीडियो में जो गेम नंबर 1 पर आता है और वन ऑफ द मेरा फेवरेट गेम है उसका नाम है स्नाइपर गोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट्स 2। ये गेम अभी 2021 में ही रिलीज हुआ है। ये गेम मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्नाइपर गेम बन चुका है, क्योंकि इस गेम में हमें बहुत ज्यादा ब्रूटल कॉम्बैट देखने को मिलता है। अगर हम एनिमी के किसी भी पार्ट पर हिट कर तो हमें उस पार्ट का ब्रूटली सीन देखने को मिलता है। तो बात करें गेम प्ले की, तो इस गेम का गेम प्ले भी भाई बहुत ज्यादा शानदार है, और इस गेम के ग्राफिक्स भी हमें बहुत ज्यादा शानदार और औसम देखने को मिलते हैं। मैंने इस गेम को पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस गेम को एक बार जरूर प्ले करना, आप इस गेम के डेफिनेटली फैन हो जाओगे अगर आप एक ट्रू स्नाइपर फैन हो तो। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और गेमिंग के रिव्यूज और गेमिंग के बारे में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे जाता है, और उस बेल आइकन को भी दबा देना। तब तक के लिए मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। We'll be right back.